वंशी अवतार शहीद हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जन्मभूमि श्रीजी मंदिर बादग्राम में अष्ट दिवसीय ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा पहुंची। महाप्रभु की जन्मभूमि में दर्शन यात्रा के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अष्ट दिवसीय ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा का शुभारंभ महंत लाडली शरण महाराज के सानिध्य में बड़ारास मंडल वृंदावन से यमुना पूजन के साथ किया गया, जिसके उपरांत ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा मानसरोवर, वंशीवट, भांडेरवन, दाऊजी, रावल, चिंताहरण महादेव, गोकुल, द्वारकाधीश, जन्मभूमि दर्शन कर हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जन्मभूमि श्रीजी मंदिर बादग्राम पहुंची। श्रीजी मंदिर पर अष्ट सखियों को लगाए गए भव्य छप्पन भोग के देश विदेश से आए यात्रियों ने दर्शन किए एवं भंडारे प्रसादी पाकर यात्री काफी उत्साहित नजर आए। कथा व्यास राम प्रकाश भारद्वाज एवं खेलन मुखिया की मुखियाई में देश विदेश से आए यात्रियों ने श्री कृष्ण वट समाज गायन व बधाई गायन के साथ हरिनाम संकीर्तन का आनंद लिया। वही श्री कृष्ण सरोवर में हुई प्रिया प्रियतम की नौका विहार लीला के दर्शन कर यात्री एवं ग्रामवासियों ने बड़े अद्भुत रस की अनुभूति की। बादगांव में अष्ट सखियों के छप्पन भोग दर्शन एवं श्री कृष्ण सरोवर में हुई नौका विहार लीला श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। यमुना पूजन के साथ शुरू हुई अष्ट दिवसीय ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा ब्रज मंडल के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए आठवें दिन दुग्ध की धारा के साथ वृंदावन परिक्रमा लगाकर संपूर्ण होगी। बादग्राम में यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर निकल गई है। इस मौके पर श्रीजी मंदिर बादग्राम के महंत दंपति शरण महाराज, इंदु बहन, सोहन भगत, डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, चंदन तरकर, संजय पांडे आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये श्री जी का जो 13 तारीख को श्री यमुना जी का यमुना रस रानी का जो चुंदरी मनोहर यमुना जी का पूजन यमुना के भव्य क्योंकि शोभा यात्रा के साथ में यमुना जी चुंदरी मनोहर होकर अपने बोले धूमधाम से इसका मनोहर देश विदेश से आए हुए भक्त लोग शामिल हो गए। इस आठ दिन का जो संकल्प है अनुष्ठान है उसको अनुष्ठान को हमने संकल्प लिया कि 8 दिन में हमको ये यात्रा संकल्प के साथ पूरा करना है। जैसे संकल्प अनुष्ठान हमने कला बांध लिया इसलिए हमने अनुष्ठान किया है। इसको ब्रज यात्रा का वृंदा ब्रज के लता पत्ता कुंजल एकदम लता पत्ता कुंज के इसलिए सरोवर इतनी तरह की तरह तरह के हम रच का इसके सेवन करते हुए दिव्य दिव्य दर्शन ऐसे नहीं दर्शन के कुंज निकुंज के दर्शन कराते हुए विचलित रहे। वो कहती हमने 14 तारीख को इसे तो गोकुल श्री प्रिया जी के राधा रानी के दर्शन किए, भांडेर बन के दर्शन किए, मानसरोवर के दर्शन किए, दाऊ जी के दर्शन किए, 84 खंभा के दर्शन किए, ब्रह्मद्रति के इत्यादि दर्शन करते हुए हमने कल का यात्रा विश्राम किया। आज सुबह से प्रारंभ किया श्री द्वारकाधीश का दर्शन किया, विश्राम घाट के जो आसमन किया इसके जाके कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करते जो मुख्य जो ध्रुव टीला है ध्रुव जी ने जहाँ तपस्या किया था ध्रुव लीला के लंग मधुबन ध्रुव टीला इनका सबको दर्शन करते हुए वहाँ पर उनको प्राकट स्थल है श्री राम बाद धाम में आके सब भक्तों लोगों ने यहाँ का रस का सेवन किया। आके यहाँ के लता पता को करके इनको उन्होंने मनन किया। इस तरह से यहाँ का अनेक लीला के साथ में भगवान श्री जी को 56 भोग लगा, 56 भोग का दर्शन किया। दर्शन श्री की आरती करते हुए हमने श्री जी को प्रिया प्रीतम को हम नौका बिहार के आनंद सुख प्रिया प्रीतम को नित्य नौका बिहार का आनंद सुख ले रहे हैं। सब भक्तों लोगों ने रस से धूमधाम से अपने भजन कीर्तन के साथ हरिवंश नाम के धुन के साथ में इसको इत्यादि हम लीला का आरंभ कर रहे हैं। आज इसी तरह से कल श्री गोवर्धन जी का ये दर्शन मेला होगा। इस तरह से हमारे 8 दिन के लास्ट दिन में हमारे वृंदावन के दूध के धार के साथ परिक्रमा होगा। देखिए ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है इसकी ऐसी मान्यता है कि एक बार अगर कोई 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है ब्रज की तो वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। वे नहीं तो प्राणी पुनर्जन्मम पुनर्मरणम पुनर्जननी जठरे शयनम बार बार जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। लेकिन एक बार अगर कोई ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है तो वह 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के प्रिया प्रीतम के श्री निकुंज नित्य लीला विहार में प्रवेश कर जाता है। यह ब्रज 84 कोस की ऐसी मान्यता है जिसको सबसे पहले नंद बाबा मैया यशोदा के साथ में स्वयं ठाकुर जी ने ब्रज की जो है लीला करी है। हमारे ब्रज में समस्त तीर्थों का वास है, जहाँ भी यानी एक बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के बाद में कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं बचती है।
क्योंकि नंद बाबा ने ऐसा संकल्प लिया था कि मेरे कोई अगर संतान हो जाएगी तो मैं ब्रज की परिक्रमा करूँगा। लेकिन कृष्ण का जन्म होने के बाद में उत्सव पर उत्सव, उत्सव पर उत्सव होते चले जा रहे थे। नंद बाबा मैया यशोदा को समय नहीं मिला। तो एक दिन बाबा उदास बैठे तो लाला ने पूछा, बाबा आप उदास क्यों हो? बोले, मैंने संकल्प लिया था कि मैं भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन करूँगा, लेकिन मैं तुझे छोड़ करके कैसे जाऊँ? आज उसी समय भगवान ने कहा कि आप घबराओ नहीं बाबा, मैं सारे तीर्थों को ब्रज में ही बुला लेता हूँ और आप एक बार मेरे साथ ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा करें, समस्त तीर्थों का फल आपको यहीं मिल जाएगा। आज हमें वंशी अवतार श्री ही थर्वंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर श्री कृष्ण सरोवर बाद में आज ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा श्री ही थर्वंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आई और 8 दिवसीय यह यात्रा है, जो कि यमुना पूजन के साथ महंत श्री लाडली सरन जी महाराज के सानिध्य में इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था। आज यात्रा महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आई है, अष्ट सखियों के यहाँ दर्शन किए गए हैं और श्री कृष्ण सरोवर में श्री राधा कृष्ण के स्वरूपों संग अद्भुत नौका विहार लीला के दर्शन यहाँ पे हुए हैं। बड़े ही अद्भुत आनंद की वर्षा हुई है, दूर दराज एवं देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया है। यात्रा वृंदावन से चलकर मथुरा दाऊ जी चिंताहरण महादेव रमन रेती होते हुए महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आई है और 8 दिवसीय यात्रा है। यमुना पूजन के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ था, जो कि 8वें दिन श्रीधाम वृंदावन की दुग्ध की धार की परिक्रमा के साथ यात्रा संपूर्ण होगी। राधे राधे, मैं दिनेश सिंह करकर बाद